जुलाई 2023 में इंडिया अलायंस का गठन किया गया। 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी या कहें कि एनडीए से मुकाबला करने के लिए विपक्ष के जो विभिन्न 28 दल हैं उन्होंने मिलकर के इंडिया अलायंस का गठन किया। इस तरीके से अभी हाल में इंडिया अलायंस की हवा निकली है, उससे ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव हैं उसमें अब मोदी बनाम कौन। नमस्कार। जुलाई 2023 में इंडिया अलायंस का गठन किया गया। 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी या कहें कि एनडीए से मुकाबला करने के लिए विपक्ष के जो विभिन्न 28 दल हैं उन्होंने मिलकर के इंडिया अलायंस का गठन किया कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में मुकाबला करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल में इंडिया अलायंस की हवा निकली है उससे ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव हैं उसमें अब मोदी बनाम कौन होगा, यानी चुनाव में मोदी के मुकाबले में कौन सा दल होगा। मित्रों, मैं इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इंडिया अलायंस की वर्तमान में स्थिति है, किस तरीके से वो टूट के कगार पे पहुंच गई है, वर्तमान में जो उसके 28 दल हैं उनकी क्या स्थिति है, किस तरीके से वो एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप करके उस इंडिया अलायंस को पूरी तरीके से गर्त पर लेकर के चले गए हैं, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि वास्तव में 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें मोदी का मुकाबला कौन से दल से होने वाला है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस का जो प्रमुख फाउंडर है वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने इनिशिएटिव लिया और धीरे धीरे उन्होंने इसमें सपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और क्या ना सीपीआई और एनसीपी ना विभिन्न 28 दलों को इकट्ठा किया और एकजुट करके उन्होंने जो है कहा कि हम जो है भाजपा का 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकाबला करेंगे। हालांकि जो सीट्स शेयरिंग को लेकर के कोई ऐसा फार्मूला तय नहीं हो पाया, और लेकिन लगातार जो है जो प्रमुख दल हैं उनके बीच में आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। अब जो इसके प्रमुख जो है घटक दल हैं उनके बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से उन्होंने इससे दूरी बनाई और किस तरीके से वो लगभग अलग हो चुके हैं और वो अपनी चाल चल रहे हैं। उन्होंने इंडिया अलायंस के साथ जो है या इंडिया अलायंस को बनाए रखने के लिए जो है किस तरीके से जो है अपनी दूरी जो है बनानी शुरू कर दी। तो इसका जो प्रमुख घटक दल है, सबसे पहले मैं बात करूंगा तृणमूल कांग्रेस की। तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो कहें या मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने सबसे पहले तो यही कहती रही कि भाई जो है हम जो पश्चिम बंगाल है वहां पर हम कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने को तैयार हैं, और उन्होंने ये भी राय दी कि जो कांग्रेस है कांग्रेस को पूरे देश में सिर्फ 300 सीट लोकसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी जो सीटें हैं अपने सहयोगी दलों के लिए जो है जो जिनके साथ गठबंधन है उनके लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसा उन्होंने पहले से राग अलापना शुरू कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में प्रमुख भूमिका सीपीआई की है, सीपीआई जब भी कोई बैठक होती है उसमें सीपीआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब सीपीआई वो दल है जिसके खिलाफ जो है ममता बनर्जी ने 34 साल तक संघर्ष किया, उसको पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर किया।
अब ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहती थी कि जो सीपीआई है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बने, लेकिन जो कांग्रेस है या नीतीश कुमार है वो सब जो है सीपीआई को भी साथ लेकर चल रहे थे। अब इसमें ममता बनर्जी का सबसे बड़ा नुकसान यह था कि यदि सीपीआई साथ में रहती है तो उसका वोट बैंक खिसकने की आशंका थी। ऐसी स्थिति में, और दूसरी बात, एक बात को लेकर के और उनका जबरदस्त जो है कंसर्न रहा, ऑब्जेक्शन रहा, कि जो राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है जो पश्चिम बंगाल से होकर गुजरने वाली थी, उसके लिए ना तो तृणमूल कांग्रेस को कॉन्फिडेंस मिला, ना कोई ऐसा आमंत्रण दिया, और इस बात को लेकर के भी उनका जो है कंसर्न था। और वास्तव में देखा जाए तो ममता बनर्जी जो राहुल गांधी को नेता के तौर पे एक्सेप्ट भी नहीं करती, यही कारण है जब दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी तो उन्होंने जो इंडिया अलायंस का कन्वीनर है या संयोजक है या प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा है बनाने की सिफारिश की थी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे को बनाने की, राहुल गांधी को नहीं की, जबकि जो कांग्रेस पार्टी है वो राहुल गांधी को चेहरा बनाना चाहती है। यही कारण है कि पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है राहुल गांधी ने शुरू की। तो ये सब जो आंतरिक राजनीति है, सियासत है, उसके चलते ममता बनर्जी ने अपना धैर्य खो दिया और उन्होंने घोषणा कर दी कि हम जो लोकसभा की 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, उन सभी सीटों में लड़ेंगे और अब हम किसी के साथ कोई भी तालमेल नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि इंडिया अलायंस से उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल लिया। इसी तरीके से अब मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी भी जो है प्रमुख घटक दल है इंडिया अलायंस का। आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने कहा कि हम पंजाब में कोई समझौता नहीं करेंगे सीटों का, वहां की जो 13 लोकसभा की सीटें हैं उन पर हम जो है आम आदमी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और वो सभी सीटों पर जो है विजय भी प्राप्त करेगी। तो आम आदमी पार्टी ने भी अपने आप को अलग कर लिया जो है इंडिया अलायंस से। इसी तरीके से अब मैं बात करूंगा जेडीयू की। अब जेडीयू के जो प्रमुख हैं नीतीश कुमार ने जब इंडिया अलायंस का गठन किया था तो उसके पीछे उनकी एक जबरदस्त महत्वाकांक्षा थी। वो राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते थे। वो चाहते थे कि एटलीस्ट उन्हें इंडिया अलायंस का कन्वीनर और प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। तो उस महत्वाकांक्षा के चलते जब उन्होंने देखा कि उनको ये अवसर नहीं मिल रहा है तो उन्होंने भी जो है कांग्रेस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के पास समय नहीं है, वो चुनाव में व्यस्त है, वो अपने अन्य गतिविधियों में व्यस्त है और सीट शेयरिंग पर बात नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पलटी मारी है नीतीश कुमार ने, अब नीतीश कुमार की जो सियासत है बिहार में, जिस तरीके की वो सियासत कर रहे हैं और जितनी बार वो उनका जो पलटी मारने का जो इतिहास है, अब इसमें यही याद रखना बहुत मुश्किल है कि वो कितनी बार आरजेडी के साथ जा चुके हैं, कितनी बार भाजपा के साथ जा चुके हैं। तो जो उनकी पलटी मारने का इतिहास है उसकी गिनती करना भी जो है, या उसको याद रखना, मैं कहूंगा कि बहुत मुश्किल हो गया। तो नीतीश कुमार ने भी वहां से अपना पल्ला झाड़ लिया, यानी जो इंडिया अलायंस का संस्थापक जिसे कहेंगे उसी ने वहां से जो है कन्नी काट ली। अब मैं बात करूंगा जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वो आमतौर पे उनका जो ट्रेंड रहा है काम करने का वो वही करते हैं जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी करती हैं। लेकिन मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि जो अखिलेश यादव हैं पहले से ही ये बात कह रहे हैं कि जो लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें वो 65 सीटों पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतारेंगे। वो महज 15 सीटें ही जो है कांग्रेस और अपना जो सहयोगी दल है उनका राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल उनको देने को तैयार है। कहने का मतलब कि वहां कांग्रेस को वो 15 सीटें भी देने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अखिलेश यादव भी इंडिया अलायंस से दूरी बनाएंगे और अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बात रही। अब मैं यदि बात करूं कि इसके जो प्रमुख जो घटक हैं और जो दूसरे दल हैं, जैसे कि अब हम महाराष्ट्र में बात करें
जो है उद्धव ठाकरे की बात करें, शिवसेना की बात करें, तो आज उद्धव ठाकरे जो इसका हिस्सा हैं, वो उनका कोई खास अब वहां पर जनाधार रहा नहीं, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे हैं वो जो है विधायकों को लेकर वहां सत्ता में है। इसी तरीके से यदि एनसीपी की बात करें तो एनसीपी में भी अब जो शरद पवार हैं, शरद पवार का भी वहां कोई खास जनाधार रहा नहीं, चूंकि उनके जो भतीजे हैं अजीत पवार, वो भी अब जाके जो है एकनाथ शिंदे से मिल चुके हैं, वहां पर उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में। ऐसी स्थिति में उनके इंडिया अलायंस में रहने ना रहने से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो प्रमुख जो है घटक दल है इंडिया अलायंस के, जिस तरीके से उन्होंने दूरी बनाई है, जिस तरीके से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, कीचड़ उछाला है, उससे जो इंडिया अलायंस है उसके ही अस्तित्व पर सवालिया निशान लग गया है। तो ये जो महत्वाकांक्षाएं हैं नेताओं की अपनी अपनी, जिस तरीके से वो खींचतान उनके बीच में मची हुई है सीटों को लेकर के, उसको देखते हुए निकट भविष्य में ऐसा सवाल उठना शुरू हो गया, ऐसा लगना शुरू हो गया है कि क्या ये इंडिया अलायंस चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक एक साथ खड़े होकर चुनाव लड़ भी पाएगा, और लड़ता है तो कितना जो है प्रभावशाली हो पाएगा, कितना प्रभावी होगा, और चुनाव के बाद क्या होगा वो तो अलग बात है। तो अब सवाल यह है कि जब इंडिया अलायंस, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो वर्तमान में भाजपा का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके खिलाफ फिर लोकसभा चुनाव 2024 में कौन होगा, यानी उनके मुकाबले पे कौन सा दल होगा, तो ऐसी स्थिति में जो एक प्रमुख दल है कांग्रेस, कांग्रेस की अब मैं बात करूंगा यहां पर, कांग्रेस से ही यह अपेक्षा थी कि कांग्रेस शायद जो है मुकाबला कर पाएगी। अब यहां पर कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि चुनाव 2024 के बहुत करीब हैं, इंडिया अलायंस का गठन हो चुका था, कांग्रेस से लोगों को जो घटक दल है उनको बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी, लेकिन राहुल गांधी ने इसी दौरान अपना जनाधार खोजने के लिए, जमीन खोजने के लिए जो है यहां पर क्या शुरू कर दिया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब देखिए मैं इसके बारे में बात करूंगा, भारत जोड़ो यात्रा पहले उन्होंने 2022 में शुरू की, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की, निसंदेह भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत अच्छा निर्णय था और लोगों से जुड़ने का एक बहुत अच्छा कांग्रेस का फैसला था। राहुल गांधी ने जिस तरीके से मेहनत की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उससे पार्टी काफी उत्साहित थी और उन्हें ऐसा लगा कि शायद एक बार फिर ये यात्रा की जानी चाहिए और उसका जो है उन्हें सियासी लाभ मिलेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी अच्छा प्रयास है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस समय का चुनाव किया गया और जिस तरीके से उसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा को राहुल गांधी ने शुरू किया, उस पर प्रश्न चिन्ह है। देखिये चुनाव बहुत करीब है, ऐसी स्थिति में हम जमीन तलाश रहे हैं, यानी जनाधार खोज रहे हैं कि हमें कहां से वोट मिलेगा, कौन सा हमारा वोट बैंक होगा, अपनी हम बात रखने जा रहे हैं या सत्ताधारी दल की नीतियों के बारे में हम प्रचार करने जा रहे हैं, ये एक पार्टी के लिए एक निर्णायक फैसला हो सकता है। लेकिन यहां सवाल यह है कि जब चुनाव इतना करीब हो, आप इंडिया अलायंस के जो है प्रमुख हिस्सेदार हो और इंडिया अलायंस के लोगों को साथ लेकर चले बगैर, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, इन दलों को कॉन्फिडेंस में आपने नहीं लिया कि कहां कहां न्याय यात्रा हो रही है, उनको नहीं आपने साथ में जोड़ा, आपने अपने स्वाहित के लिए अपने अहम को त्यागने की जगह आपने कांग्रेस की जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसे साबित कर दिया। और जो असम से लेकर के मुंबई तक ये जो यात्रा होने वाली है उसमें सवाल उठने लगे और इंडिया अलायंस के दलों ने ही सवाल उठाना शुरू कर दिया कि हमको बिहार में भी वही स्थिति और पश्चिम बंगाल में भी वही स्थिति, ऐसी स्थिति में जो है ये जो न्याय यात्रा है कितनी प्रभावी होगी वो तो समय बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि हम संघ जो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, उन्होंने अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की जगह, चुनाव बहुत करीब है और जो है इंडिया अलायंस के
ढांचे को मजबूत करने की जगह या उन दलों को संभाल के रखने की जगह जो है न्याय यात्रा शुरू कर दी। तो ये एक जो है प्रश्न चिन्ह है इस फैसले पर। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस इतनी कमजोर हो जाएगी और कांग्रेस जो है, चूंकि अब देखिए यहां मुकाबला किससे होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काफी लोकप्रिय नेता हैं देश के, और जिस तरीके से जो है अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा जो है प्रमुख हो गया और पूरा देश, हर प्रदेश, देश का कोना कोना जिस तरीके से राममय हो गया, उसके चलते जो है ये नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को हराना जो है बहुत आसान नहीं होगा। तो उस पार्टी से मुकाबला करने के लिए जो है एक सशक्त गठबंधन या सशक्त पार्टी का होना जरूरी है, जो इस समय अभाव पूरे देश में देखने को मिलता है कि क्या होगा। अब यदि अलग अलग प्रदेशों में बात करें तो वहां पर जो जनाधार की बात है वो कांग्रेस पार्टी को खुद नहीं पता कि उसका जनाधार कौन से प्रदेश में है, कहां पर वो जो है अच्छी पोजीशन में हो सकती है। हालांकि ये कहना कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जो है हम बहुमत की सरकार बनाएंगे, ये राग अलापना जो है कहने का मतलब ये है कि वो झूठ, अपने आप को झूठलाना है, लोगों को अंधेरे में रखना है, खुद को अंधेरे में रखना है, पार्टी के लोगों को अंधेरे में रखना है। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि अगर ये इंडिया अलायंस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती, तो कौन से ऐसे दल होंगे कि मोदी बनाम फिर कौन होगा। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चुनाव होने वाला है भाजपा का, वो प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ अलग अलग मुकाबला होने वाला है। तो ये जो मुकाबला पश्चिम बंगाल की बात करूं तो वहां पर यह मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के साथ भाजपा को करना होगा। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यह मुकाबला समाजवादी पार्टी के साथ करना होगा। वो अलग बात है कि किसका पड़ला भारी होगा, किसका कमजोर होगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। इसी तरीके से महाराष्ट्र में जो मुकाबला होगा वो चूंकि शिंदे के साथ है भारतीय जनता पार्टी, ऐसी स्थिति में वहां पर, और एनसीपी भी उसके साथ है, ऐसी स्थिति में वहां मुकाबला जो है जो एनडीए का गठबंधन है वो किस तरीके से भारी पड़ेगा वो देखने की बात है। अब जिस तरीके से बिहार की जो है सियासत बदली है उसको देखते हुए भी भाजपा की अपनी कोई मैथमेटिक्स है, गणित है, जिसके आधार पर वहां वो चुनाव लड़ेगी। और आम आदमी पार्टी के साथ मुकाबला पंजाब में और दिल्ली में होने वाला है। इस तरीके से देखा जाए तो जो सियासी माहौल है वो गर्म हो रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी के जो राय है वो काफी आसान होती जा रही है। उसे एक जो गठबंधन है जिससे उसे मुकाबला करना था, अब उसकी जो संभावना है वो ना के बराबर बनती जा रही है। और अब यह पूरी तरीके से संभावना बनती जा रही है कि जो अब भाजपा का मुकाबला है वो स्थानीय और क्षेत्रीय पार्टियों से होने वाला है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि ये जो 2024 का चुनाव है वो जो है बहुत रोचक होगा, और मुझे लगता है कि अब जो सिनारियो है वो लगभग स्पष्ट होने लगा है। मित्रों, आज मैंने जो इस वीडियो में आपको जानकारी दी है, मुझे लगता है वो आपको पसंद आई होगी। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।